Hi guys, I'm Lisa Team here. This is me, Sahirish. My name is Sadiq. And my name is Aman. And आज हम react करने वाले हैं तन्हा जी. Yeah. जो के थे मराठी warrior. So मराठा ये मराठा warrior थे मराठन. मराठा warrior. एंड ये मेरे ख्याल से दूसरी मूवी इस साल आ रही है. इससे पहले जो हमारी पानीपत आ रही है मूवी इस साल बहुत सारी मतलब वो हिस्टोरिक फिल्मों से आई है. स्टार्ट हुआ था मणिकर्णिका से. ओके मणिकर्णिका फिर केसरी आई. केसरी के बाद सायरा आई. सायरा के बाद फिर ये पानीपत आई. पानीपत के बाद ये लास्ट ईयर से ट्रेंड चल रहा है. इस साल बहुत आई है. तकरीबन 6 साल आ चुकी है. झांसी की रानी हो गया हमारा. एंड स्टार्ट वहीं से हमने किया था. एंड अभी हमारे मतलब हर मराठी में भी ये दूसरी मूवी है एम्पायर के बारे में जो है. एंड पानीपत और ये साथ साथ आ रही है. ये साथ ही आ रही है. ऑलमोस्ट एक हफ्ते का गैप है. एक हफ्ते का गैप है. ऑलमोस्ट एक नहीं एक हफ्ते नहीं सॉरी जनवरी 2020 में आ रही है. तो ये सब जो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो रही है. लेकिन सब जो अगर 12 महीने का हम लोग देखें जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तो 12 महीने के अंदर ये तकरीबन 5 से 6 हिस्टोरिक फिल्म आ चुकी है. और मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी अच्छा काम करी बच्चों के लिए इवन कि जो हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री का एक मूवी भी हो गई और हिस्ट्री भी इनको पता चल गई कि इनकी एक्चुअली हिस्ट्री क्या है. ठीक है. पानीपत के जो है तो उन लोगों ने कहा था कि हाँ ये चैप्टर हमने पढ़ा था. अच्छा लगता है कि जो पढ़ा था वो मूवी में आ रहा था तो ज्यादा अच्छी नॉलेज मिल रही है आपको मूवीज से. इसमें जो तन्हा जी का जो रोल प्ले कर रहा है अजय देवगन ये मराठा जो एम्पायर था मतलब ये उसका मिलिट्री लीडर था. ओके वो जो औरंगजेब की जो आर्मी थी ना 17-18 सेंचुरी में वो उस तरफ बंगाला का स्टेट था वहां पे हमला कर रही थी. ओके तो उसमें उदय खान यानी जो सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं उसको उन्होंने भेजा था. और उस अच्छा सैफ अली खान मुगल एम्पायर को पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड अजय देवगन इज फ्रॉम मराठा साइड. और वो फिर अकेले उसको फिर डिफेंड करके लीड करके मतलब जो अपनी आर्मी के साथ फाइट करेंगे. ओके अपनी सेंचुरी मारी है मूवीज की. 11 साल बाद आ रहे दोनों. राजू चाचा छोटे मजे हो गए तो सही है. सो ट्रेलर बड़े हो गए हो हवानी के लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं. मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ कर जा रहा हूं. इस मिट्टी की आजादी जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंडाना. जब तक कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहराता हम जूते नहीं पहनेंगे. कोंढाणा जीतना इतना आसान नहीं है. एक ही शिलेदार है जो एकामगिरी फतेह कर सकता है. मुक्का मुमरठ नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे. बाबा सब कह रहे हैं कि उदयवान के पास बहुत बड़ी सेना है कैसे हराएंगे. अब तू ही बता कौरव और पांडवों में जीत किसकी हुई. तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से. तू जान दे सकता है मैं जान ले सकता हूं. मतलब तुम पागल हो. हर मराठा पागल है. स्वराज का शिवाजी राजे का भगवे का. जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है. दक्खन से खबर आई है उदयभान और नागिन कोंढाणे पे पहुंच चुके हैं. तैयारी कर अपंता हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं. हमला पहला बार लाख मुला से. Yeah.
जो भी गांव उसकी मदद करे जला दो। कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है शेर की तरह मरना। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे। यशस्वी भव। कैसा लगा? जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा ट्रेलर में इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था, हमें तो स्टोरी पता थी और हम लोगों को था कि मैं जितनी हमने पढ़ाई की तो पता चल रहा था कि ये है, पर ट्रेलर मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो एग्जैक्टली किसी पे बोर्ड हो रही थी ये, है ना? एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से उससे पहले की जब मुगल्स वगैरह ने जब अटैक किया था एंड जब मुगल्स वगैरह का अपना रखा है अजय देवगन ने सिंघम वगैरह से और उससे गोलमाल वगैरह इनकी हिस्टोरिक फिल्मों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए इनको मेरा था फिल्म होगा उसके टक्कर का रोल होगा। और सैफ अली खान की फर्स्ट मूवी है एज अ हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल शायद यस हिस्टोरिकल शायद यस एज अ विलन सेकंड या थर्ड तो एक ऐसी नहीं ओमकार इन्होंने अपना मैजिक दिखा दिया। लेट्स सी कि यहां पे किस तरह से आते। काफी अग्रेसिव रोल है एंड वही उनका जो नवाब है वैसे भी वो तो नवाब बन के ही आ रहे हैं।